हेलो एवरीवन। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रूजन के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रूजन का मतलब क्या होता है? अतिक्रमण करना, किसी भी चीज़ पे अतिक्रमण कर लेना। अब ये टॉपिक पढ़ने के पहले हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? तो कंप्यूटर नेटवर्क एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है कि ये दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस, मान लो कि ये दो कंप्यूटर हो गए, एक लैपटॉप हो गया, एक ये सर्वर हो गया अपना, है ना, और एक ही अपना मोबाइल हो गया, तो एक ही अपना स्विच हो गया। तो दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं किसी मीडियम के थ्रू। मान लो ये वायर से कनेक्टेड है या वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू, वायरलेस मीडिया के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये क्या बनाते हैं? एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। ये क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है। अब ये क्यों कनेक्ट होते हैं? वाई दे कनेक्ट विथ ईच अदर? टू शेयर द डेटा, है ना। तो जनरली फॉर डेटा शेयरिंग ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अभी जो है मेरा मोबाइल और आपका मोबाइल भी एक दूसरे से कनेक्टेड है और मैं आपको एक वीडियो आपके मोबाइल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो हम लोग इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। तो इंटरनेट एक लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है। अब इस कंप्यूटर नेटवर्क में हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लाख और इवन बहुत सारे इनफाइनाइट कंप्यूटर्स हो सकते हैं, जितने आप ऐड करना चाहो। तो ये होता है बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रूजन में क्या होता है कि कोई भी अटैकर होता है ये कंप्यूटर नेटवर्क पे अटैक कर देता है या इस कंप्यूटर नेटवर्क के कोई भी इलीगल एक्टिविटी करता है, है ना। कोई भी इलीगल एक्टिविटी अगर कोई अटैकर कर रहा है इस कंप्यूटर नेटवर्क में तो वो किसके अंडर आती है? कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रूजन के अंदर आती है। तो अ कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रूजन इज एनी इलीगल एक्टिविटी दैट इज कैरिड आउट इन अ डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे भी कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रूजन होता है वहाँ पे डेटा की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, वो नेटवर्क की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। और ये जो है वो डेटा और नेटवर्क की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। ये अटैकर ऑब्वियसली आपका डेटा स्टील करने आया होगा या नेटवर्क हैक करने आया होगा। अब क्या है कि अब जनरली क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना खुद का एक नेटवर्क हो सकता है, कंप्यूटर नेटवर्क। तो जनरली जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जो अफोर्ड कर सकती है वो साइबर सिक्योरिटी टीम, है ना, साइबर सिक्योरिटी टीम को हायर करती है, जिस टीम का सोलली पर्पस यही होता है कि आपके नेटवर्क को इंट्रूजन से बचाना, इलीगल एक्टिविटी से बचाना, और कोई भी जो इंट्रूजन अगर हो रहा है उसको डिटेक्ट करना और उसको प्रिवेंट करना ताकि ये बाद में ना हो, है ना। अब जो अटैकर्स हैं वो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क को इंट्रूड करते क्यों हैं? तो इनके तीन बेसिक पर्पस हो सकते हैं। फर्स्ट पर्पस इज स्टील और डिस्ट्रॉय पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो किसी भी एक कंप्यूटर की या एक से ज़्यादा कंप्यूटर की अगर किसी भी इंट्रूडर को, आउटसाइडर को पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो वो कंप्यूटर नेटवर्क को इंट्रूड कर सकता है। उसके बाद अटैकर आर मेड टू ऑब्टेन एक्सेस टू इंटरनल सिस्टम, है ना। तो अटैकर इसलिए भी अटैक कर सकते हैं, मान लो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का कंप्यूटर नेटवर्क है, तो अगर किसी इंट्रूडर को, बाहर के अटैकर को इस मतलब कंप्यूटर नेटवर्क का एक्सेस चाहिए तो भी वो इस पर इंट्रूजन अटैक कर सकता है। उसके बाद फाइनेंशियल लॉस टू ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का कोई सा भी डेटा या पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी करके उससे मनी की डिमांड करना। अब जनरली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम IDS ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं। तो कंपनीज इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम को इंस्टॉल करती है किसी अपने नेटवर्क में या तो एक इंडिविजुअल सिस्टम्स में अपने नेटवर्क को इंट्रूजन्स या अटैक्स से बचाने के लिए। तो ये थी कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रूजन्स के समरी। तो कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रूजन क्या होता है? कोई भी इलीगल एक्टिविटी जो किसी कंप्यूटर नेटवर्क में होती है और उसके बाद हमेशा डेटा या नेटवर्क की सिक्योरिटी ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ होती है और जो कंपनीज होती है वो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल करती है अपने नेटवर्क को इंट्रूजन से बचाने के लिए। अब कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रूजन की पांच टेक्निक्स होती है, इसमें से दो टेक्निक हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, आपको बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी मैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला जो टेक्निक होती है कंप्यूटर नेटवर्क इंट्रूजन की वो होती है मल्टी राउटिंग। अब मल्टी राउटिंग क्या होता है? अब मल्टी राउटिंग को हम असिमेट्रिक राउटिंग भी बोलते हैं। अब राउटिंग मतलब क्या होता है? टू डिसाइड द पाथ।
मान लो ये कंप्यूटर नेटवर्क मैंने बताया था, ये वाले क्लाइंट को इस सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है, ठीक है, इस क्लाइंट को इस सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है। तो दो पाथ अवेलेबल है जो हमें दिख रहे हैं, अभी दो से ज़्यादा हो सकते हैं, पर हम दो पाथ देख सकते हैं डायरेक्ट पाथ। एक तो ये कंप्यूटर रिक्वेस्ट सेंड करेगा, इस कंप्यूटर के पास जाएगी, ये कंप्यूटर इसको इस मोबाइल को फॉरवर्ड करेगा, ये फिर मोबाइल इसको सर्वर को फॉरवर्ड करेगा। तो ये एक राउट हो गया, एक पॉसिबल राउट क्या है, ये इसके लैपटॉप के पास जाएगी, फिर ये रिक्वेस्ट से सर्वर के पास जाएगी। ये दो पॉसिबल राउट्स हो गए। अब जनरली यहाँ तो लैपटॉप पे, पर रियल कंप्यूटर नेटवर्क में या राउटर्स होते हैं, तो दिस इज़ नॉट द स्कोप ऑफ आवर टीचिंग, लाइक दिस इज़ नॉट द स्कोप ऑफ आवर टॉपिक, इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर रही हूँ। बाकी हाँ, आपको ये समझना है कि एक से ज़्यादा पॉसिबल राउट्स हो सकते हैं डेटा के ट्रांसफ़र करने के लिए। अब मान लो कि अब क्या करता है ना, मल्टी राउटिंग में इंट्रूडर क्या करता है कि मल्टीपल राउट्स का यूज़ करता है नेटवर्क को इंट्रूड करने के लिए। मान लो कि इसको इस सर्वर के और भी पॉसिबल राउट्स होंगे, बहुत सारे राउट्स होंगे जो सर्वर के सर्वर के साथ कनेक्टेड है, तो इंट्रूडर क्या करेगा, सारे ही राउट्स में, ऑलमोस्ट ऑल द पॉसिबल राउट्स में सस्पिशियस डेटा को ट्रांसमिट कर देगा। अब इससे क्या होगा ना कि कहीं ना कहीं ऐसी जगह होगी जहाँ पे इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल नहीं है, और वहीं से ही कुछ सस्पिशियस पैकेट बाईपास हो जाएंगे और नेटवर्क को इंट्रूड कर देंगे, ठीक है, ये सिंपल है। तो इस मेथड को असिमेट्रिक राउटिंग में बोलते हैं, और इस टेक्निक में जो इंट्रूडर्स हैं वो मल्टीपल राउट्स का यूज़ करते हैं टू इंट्रूड एनी टारगेट डिवाइस, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है कि कोई ना कोई नेटवर्क सेगमेंट्स से, है ना, जो अपने सस्पिशियस पैकेट्स या सस्पिशियस डेटा है वो तो बाईपास हो ही जाता है, क्योंकि कोई ना कोई नेटवर्क का सेगमेंट तो ऐसा होएगा ही सही जो सिक्योरिटी को लैक कर रहा है, जो इंट्रूडन डिटेक्शन सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करा हुआ है जहाँ के किसी पोर्शन में, तो वहाँ से सस्पिशियस पैकेट बाईपास हो जाते हैं और नेटवर्क इंट्रूड हो जाता है। अब सेकेंड जो टेक्निक होती है वो होती है बफर ओवरफ्लो अटैक। अब इस अटैक में क्या होता है कि इंट्रूडर जो रहता है वो टारगेट डिवाइस का कोई भी स्पेसिफिक कंप्यूटर मेमोरी को ओवरराइड कर देता है। मान लो कि ये आपका टारगेट डिवाइस है लैपटॉप, इंट्रूडर को इसको अटैक करना है, तो ये क्या, अब इसकी लैपटॉप की कोई मेमोरी होगी, है ना, उस मेमोरी में कोई डेटा होगा, तो इंट्रूडर क्या करता है, जैसे तो भी करके ये डेटा का एक्सेस ले लेता है, ये मेमोरी का एक्सेस ले लेता है, और यहाँ पे कुछ कमांड्स लिख देता है, एक्चुअल डेटा को ओवरराइड करके राइट सम कमांड्स, कुछ कमांड्स लिख देता है। अब ये कमांड जब बाद में अगर लैपटॉप नॉर्मल डेटा या नॉर्मल कमांड सोच के अगर एग्जीक्यूट कर देता है, तो ये जो है वो कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर देता है, तो ये आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो अटैक कंप्यूटर सिस्टम पे अटैक हो जाता है, क्योंकि ये कमांड्स हार्मफुल कमांड्स होती है, आपका कंप्यूटर क्रैश हो सकता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टील कर सकती है ये कमांड। तो इस टेक्निक में क्या करेगा, जो इंट्रूडर है आपके टारगेट डिवाइस की मेमोरी में कुछ कमांड्स लिख देगा, हार्मफुल कमांड्स, और एक्चुअल डेटा को ओवरराइड कर देगा। ये हार्मफुल कमांड जब भी एग्जीक्यूट होगी तो आपके लैपटॉप को हैंग कर सकती है, वायरस फैला सकती है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी गेन कर सकती है। तो इस टेक्निक में क्या होता है, है ना, ओवरराइड एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अब द इंट्रूडर इंसर्ट हार्मफुल कमांड विच व्हेन एग्जीक्यूटेड कॉज हार्मफुल इफेक्ट टू द कंप्यूटर, ठीक है। अब इस बफर ओवरफ्लो अटैक को प्रिवेंट करने के लिए क्या इंस्टॉल किया जाता है, एक सॉफ्टवेयर आता है बाउंड्री चेकिंग लॉजिक। अब ये सॉफ्टवेयर क्या करता है कि कोई भी कमांड या कोई भी डेटा मेमोरी में, मान लो कि ये कंप्यूटर लैपटॉप है, इसमें मैंने बाउंड्री चेकिंग लॉजिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया, तो ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि कोई भी कमांड इस कंप्यूटर में ओवरराइड ना हो उसके लिए क्या करेगा, ये चेकिंग करेगा कि कोई भी डेटा, जो भी डेटा कोई लिख रहा है, कहीं वो कोई हार्मफुल कमांड्स तो नहीं है, अगर वो हार्मफुल कमांड होगी तो ये सॉफ्टवेयर मेमोरी में लिखने ही नहीं देगा, ठीक है। तो बाउंड्री चेकिंग लॉजिक एक सॉफ्टवेयर है जो विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एंड ब्लॉक एग्जीक्यूटेबल कोड टू बी रिटन इन द मेमोरी। तो दैट्स इट, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के तीन बची हुई मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।